ये कौन है? वेरी स्मार्ट, जवानी में आप काफी खानदानी लगते थे। धोखा खा गए ना, यही तो गेम है। मेरा भाई है जुड़वा राम गोपाल बजाज। मेरा नाम तेजा नहीं है, श्याम गोपाल बजाज। श्याम राम, राम श्याम। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग, बाप का बहुत लाडला था। मेरा बूढ़ा साला इसको बहुत प्यार करता था, न जाने साले ने क्या जड़ी बूटी पिलाई थी। सब साले को राम समझते थे और मुझे रावण समझते थे, और तभी मैंने सोचा था कि मैं साले बाप को भी सटका डालूंगा, उसके भी पत्ते बिछा डालूंगा, और फुल ट्राई मारा था मैंने। गलती से वो हमारा मुनि हरिशंकर, उसके पत्ते मैंने बिछा दिया। लेकिन अच्छा हुआ, वो साला बहुत धर्म कर्म की बात करता था, बहुत बोर करता था वो। और उसी केस के अंदर मुझे 10 साल की हो गई। मैं 10 साल जेल में था और 12 तो पूरा बाजी उल्टा। ये लंदन चला गया और 1 करोड़ के 30 करोड़ बनाया। लेकिन सर, आप खुद कह को लंदन नहीं चला गया? कैसे जाता लंदन? पुलिस पीछे पड़ी है ना। मोगेम्बो का 5 लाख का घपला किया तो उसका भतीजा ढूंढ रहा है ना। मुझे लंदन नहीं देखना है क्या? कैसे जाता? हाउ सैड। लेकिन अब अपने बुरे दिन हवा हो गए। वो छोकरी इसी की है। एक बार मेरी लंका में आ जाए, मैं रावण के जैसा डिफीट नहीं खाने वाला हूं। मैं नहीं खाऊंगा डिफीट, तेरे सब पत्ते साले में पीस डालूंगा। देख, करोड़ों का फायदा और सिर्फ एक खून। तेजा साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया। लेकिन ये जब इंडिया आएगा तब तुम उसे मारोगे ना? लेकिन ये कब इंडिया आएगा, कब आएगा? सर, इसका लड़की आ गया है ना, ये जरूर आएगा इंडिया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो आपका ये कहना है वो दो पपलू की वजह से गेम नहीं कर सके। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या सर, वो दोनों लड़के बहुत चालाक हैं। कल ब्रेकफास्ट टेबल पे। शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। चूहों के खराटे भरने से भला शेर की नींद कभी टूटती है? हमारे नए प्लान के मुताबिक। साला प्लान, साला अपना टाइम ही खराब चल रहा है। बातें तो शेर चीते की करते हैं और खुद की औकात चूहे जैसी भी नहीं है। अब की बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी करो लेकिन साले का गेम कर डालो, और इस बार मौत की खबर के साथ ही आना। आप कहे तो लाश के साथ आ जाता हूँ, या उसे यहीं लाके आपके सामने मार देता हूँ। वेरी स्मार्ट। सर, हमने वेरी स्मार्टली एक और बात का पता लगा लिया है। हाँ, वो बजाज है ना, अपना लंदन का सारा जायदाद डायमंड में कन्वर्ट करके लिया है। हाँ, 10 दिन में आ जाएगा। हाँ, लड़की के साथ बात करते हुए फोन पर हमने सुना। क्या कहा बास ने? कुछ सुना ही नहीं दिया, लेकिन स्मार्ट बॉय कहा होगा जरूर। ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हमारा ही गेम हो जाएगा। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या वो जो 2 नंबर का लड़का? शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। शेर के इलाके में आ जाने के बाद शिकार कब तक मौत से बचता रहेगा? मेरे नए प्लान के मुताबिक। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई 13 ही पत्ता बिछा देगा। तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, तू ही कुछ कर तेजा। अपने पैरों पे खड़ा हो जा तेजा, हो जा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, लगता है मुझे अब तुम लोगों के ही पत्ते बिछाने पड़ेंगे। हर साल की तरह कल मायावी टीले पर मेला लग रहा है। ये दोनों लड़कियां भी
उसी मेले में जाएंगी, वहीं पर उन दोनों को मार दिया जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन इस बार टीले पर मैं भी चलूंगा, आगे के पत्ते अब मैं ही पिसूंगा। लेकिन वो दो पपलू, तो पपलू टपलू का क्या करना है? वेरी सिंपल, उन दोनों की भी मौत मेरे हाथों लिखी है। प्लान के मुताबिक ये साले पपलू पपली इधर है, ये लोग कहाँ हैं? सर, सर कितने तुम लोग इधर ही हैं? सॉरी सर, गलती से नींद आ गया सर। वो गन किधर है? बंदूक गन है ना? है मेरे पास, ये लीजिए। ये क्या है? ये वास्को डिगामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को डिगामा की गन है, इसे निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, ठीक निशाने पे लगता है। यार मेरे को मार डालेंगे। सर एक मिनट, मैं देखता हूँ क्या हो गया। ये क्या हुआ? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। यार यार एक बार हमारा प्रेम से बेकार लीजिए, हमने उन्हें अच्छी तरह परख लिया है, वो लाखों में एक है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, काबिल और समझदार भी है। स्टॉप, 8 बज गए, मेरा अखबार कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। डैडी, प्रेम बहुत अच्छा आदमी है और अमर दिल का सच्चा आदमी है, दोनों कमाल के हैं, अकल से, शक्ल से, दिल से, दिमाग से, आवाज से, अंदाज से। स्टॉप, मेरी चाय कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। डैडी, अंकल, अमर एक बार अमर बहुत अच्छे हैं। स्टॉप, जब से मैं आया हूँ अमर प्रेम अमर प्रेम अमर प्रेम के बारे में सुन रहा हूँ, मेरे बारे में कोई पूछता ही नहीं। कल शाम 7 बजे बुला लेना। नाउ गो, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, थैंक यू अंकल। सर, चक्कर डालने का टाइम हो गया सर? नॉनसेंस, जो मैं कह रही हूँ ठीक से सुनो, वरना ऊपर जाके सब गड़बड़ कर दोगे। अंकल बहुत कम बोलते हैं और सुनते भी कम है। क्या ऊंचा सुनते हैं? अरे बाबा, ज्यादा बकबक मत करना और सुनो, डर के चुप भी मत रहना प्लीज। इसमें डरने की क्या बात? अरे भाई, जवान दिनों का मामला है, आपस में प्यार है, शादी का इरादा है। हाँ कहेंगे तो घर में करेंगे शादी, ना कहेंगे तो मंदिर में। क्यों भाई? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। रियली बेबी, वेयर्स द रूम? कम इन। हाथ नीचे। पूरे 3 मिनट लेट हो। 3 मिनट का क्या वैल्यू होता है जानते हो? 3 मिनट में करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। शट अप, मैंने तुम्हारे लिए 6 मिनट रखे थे, 3 मिनट तुम्हारे बोलने के, 3 मिनट मेरे बोलने के। तुम अपने 3 मिनट गंवा चुके हो, अब सिर्फ सुनो। शट अप, स्टार्ट। अमर और प्रेम, अमर प्रेम, पावित्र्य और भक्ति रस से भरपूर। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोचकर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरे 3 मिनट अब तक पूरे नहीं हुए। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा, क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। उंगली मुंह से और तुम कमरे से बाहर। हेलो हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया कि नहीं? तुम्हारे बॉस लोग यही बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कीजिए। मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस, मेरा बॉस कौन है? हेलो, मैं अमर बोल रहा हूँ। अबे घोंचू, तू रवीना को फोन दे, तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझे नहीं बात करनी। हेलो, क्या बात है बोली? अबे गधे, तू रवीना को फोन देना। रवीना, तुमसे बात करना चाह रहा है। तुम्हारा आदमी है, तुम बात करो।
देखिए ये लोग फोन पे नहीं आ रहे हैं, आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए। अबे गधे, उल्लू, बाजी, कुत्ते, चूहे, बंदर। अबे गधे, तू तेरा बाप साले, बात सुन ली तेरी, जो बोलना है बोलने तो फोन रख रहा हूँ। सुन 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 सुन, देख राम गोपाल बजाज हमारे कब्जे में है, अगर उसको जिंदा चाहते हो तो पूरे 50 लाख लेकर पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर पे आ जाना, समझा? और जरा भी चलाकी करने की कोशिश की ना तो राम गोपाल का राम राम हो जाएगा, समझा तू? हाँ हाँ ठीक है। मैंने 50 लाख मांगे थे और ये थैली में 50 लाख लेकर आए? सर लाख लाख के 50 चेक होंगे सर। चुप कर रॉबर्ट, मैं ही जाके देखता हूँ। अमर चल यहाँ से, लगता नहीं आया और आएगा भी नहीं, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, हम लोग कल सुबह आएंगे, चल। अबे रुक, डरता है क्या? नहीं नहीं डरता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ रात से। अबे क्या घबराता है, मैं हूँ तेरे साथ, क्यों डरता? डरता क्यों है, चिल्लाता क्यों है? सॉरी सॉरी। क्या है क्या है, माल किधर है? ये लो ये लो। अबे रुक, अंकल कहाँ है, माल कहाँ है? ये लो ये लो। अबे रुक यार, देखो हम लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पहले अंकल को दिखाओ फिर माल देंगे, क्यों? ये देख क्या है, कब से बोल रहा देने के लिए? ये तो चिल्लर है। चिल्लर? हाँ। अरे पूरे 8535 रुपए 29 पैसे है। मैं क्या चिंदी चोर दिखता हूँ? ये फिरौती के पैसे की मैयत का चमदा है। मालिक जितना था सब लाया हूँ। हाँ, मैंने 50 लाख मांगे थे, कहाँ है? अरे 50 लाख, 50 लाख कहाँ से लाएंगे हम? क्यों? आपका प्लान ही गलत है। हाँ? आपने बाप को किडनैप किया और बेटी से मांगा, आपको बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से मांगना चाहिए था, प्लान ही गलत है आपका, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? चुप कर, मैं तो गोली मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, रामू को तैयार करो। हाँ। साले 7,000 रुपया ही लेकर आए हैं। है? सर मैंने बोला था ना सर, दोनों बहुत चालू है। वो दो नंबर का है ना, वो छोटा। शट अप रॉबर्ट, हम इसी से काम चला लेंगे। खबरदार एक रुपया भी खर्चा मत करना, राम गोपाल का ख्याल रखना जी, मैं चक्कर लगाते रहूंगा। जाता हूँ, एक रुपया भी खर्चा मत करना। अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल हमने अपनी जान पे खेलकर आपको बचा लिया। चलो 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 भतीजा, चलो प्रेम। अंकल पीछे एडजस्ट हो जाए अंकल। हाँ बीच में ही ना, बीच में। हाँ बीच में, अच्छा पीछे ही, पीछे। लेकिन फिर मैं चलाऊंगे। अरे पीछे बैठा बैठा क्या? अच्छा आगे डंडी पिटाई, डंडी। अच्छा हाँ डंडी पिटाई करिए अंकल, डंडी पिटाई करिए, लेकिन फिर मैं चलाऊंगे सर। हाँ ये भी पीछे बैठिए ना अंकल, उसी गोद में बैठिए। हाँ अंकल गोदी वाले, गोदी। चल चल नीचे उतर, गोद में बैठ, नीचे उतर गोदी वाले। अब एक इडियट है, पता भी नहीं चले हम पीछे बैठे। अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा भैया, बरसों से पाला हुआ दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा, मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट, वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा, मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। मेरी मेहनत की कमाई से आमलेट बनाएगा? नॉनसेंस साला, आमलेट खाने के लिए बेकरी खोलेगा है? साला पाऊं वाला, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। गुड इवनिंग अंकल। नॉनसेंस, तुम जानवर लोग जंगल में क्या कर रहे हो? अंकल आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुंह मुंह मुंह, ये तो एकदम डिटो यार, एकदम डुप्लीकेट अंकल। हाँ साला आराम से खा के बैठो, हम तुझे पतला बनाते हैं चक्रम। अंकल अंकल उठो उठो अंकल 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 हम आ गए, हम आ गए। चलिए अंकल जल्दी घर चलिए, घर पे रवीना और करिश्मा आपका इंतजार कर रही है, चलिए। हाँ अंकल हमने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया। हाँ, जान पे खेल। शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलिए 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 चलिए। इसके हाथ पर जरा ठीक से बांधो, कहीं ये भाग ना जाए फिर से। हाँ चल चल ठीक से बांध यार। अंकल
ये क्या अंकल? मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तेजा हूँ, तेजा। इससे बड़ी होशियारी से मुझे बाहर से अंदर भेजा और तुमने ज्यादा होशियारी करके मुझे अंदर से बाहर भेजा। अब अंदर बैठकर रमी खेलो, मैं चला अपना गेम खेलने। अंकल, 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 अंकल।